subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Pichla jo hamara lecture tha, usme humne chapter number 4 start kiya tha. Basic concepts of taxation ke. Achha. Usme humne scope par liya tha. टैक्सियर पढ़ लिया था कौन सा है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्सेबल इनकम पढ़ लिया था, पर्सन पढ़ लिया था, उसके बाद रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर थे और हमें लेक्चर एंड करना पड़ा था. अब हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस. ये होता क्या है जी, इसमें रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया गया है कि रेजिडेंट कौन होता है. रेजिडेंट मीन अ टैक्स पेयर हु इज़ अ रेजिडेंट पर्सन. वाह, क्या डेफिनेशन लिख दी है. रेजिडेंट का मतलब होता है कि वो बंदा जो रेजिडेंट हो. अब रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट टैक्स पेयर क्या होता है, वो नीचे एक्सप्लेन किया गया है. क्या, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी. उसने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह क्या है कि लॉ जो है एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स अ रेजिडेंट इज अ टैक्सेबल. वो बताता है कि रेजिडेंट जो है टैक्सेबल, उसकी रेजिडेंट जो बंदा होता है उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, जो कि नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल नहीं होती. नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है. इस वजह से हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा बंदा रेजिडेंट है और कौन सा बंदा नॉन रेजिडेंट है. सही है. इसके बाद हम चलते हैं, या पढ़ लीजिएगा कि पर्सन शैल बी रेजिडेंट इन पाकिस्तान इफ़ अ पर्सन इज इंडिविजुअल. ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी हो, फेडरल गवर्नमेंट हो और ब्ला ब्ला ब्ला. सही है. यहाँ पे आते हैं हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर. रेजिडेंट इंडिविजुअल को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ इंडिविजुअल क्या इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर द पीरियड ऑफ कितने के लिए, 183 डेज या फिर उससे ज़्यादा इन अ टैक्स ईयर. एक साल के अंदर, एक टैक्स ईयर के अंदर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ये हमने पढ़ लिया हुआ है कि टैक्स ईयर क्या होता है. अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल की, कि ये बताया गया है कि 183 डेज उसने पाकिस्तान में स्टे करना है. जो इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 दिन या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में रहा वो क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है. दूसरा इसमें यह बताया गया है कि ऐसा बंदा जो रेजिडेंट, जो पाकिस्तानी तो है लेकिन गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, या फेडरल गवर्नमेंट हो गया या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है इसको अब्रॉड, बाहर उसको काम करने के लिए भेजा हुआ है. जिस तरह पाकिस्तानी एम्बेसीज होती हैं बाहर वाले मुल्कों में, किसी भी यूके में, इंडिया में, चाइना में, जहाँ पे भी पाकिस्तानी बंदे को इधर से भेजा है, पाकिस्तानी सिटीजन को वहाँ पे भेजा है, उसकी जो इनकम, और वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट नहीं कह सकता, वो रेजिडेंट पर्सन है. अच्छा, इसमें अब एक्सप्लिसिटली ये साफ साफ बताया गया है लॉ में कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक बंदा है पाकिस्तान में आया है, इसके लिए 183 डेज रहना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है. नहीं, ऐसा नहीं है. कंटिन्यूसली 183 डेज रहना बहुत ज़रूरी नहीं है. हाँ, 183 डेज होने चाहिए. ये भी हो सकता है कि 2 माह के लिए रहा, फिर उसके बाद बाहर चला गया, फिर 4 माह के लिए रहा, फिर बाहर चला गया, फिर 1 माह के लिए रहा, कर कर आगे टोटल आपके 183 डेज होने चाहिए पूरे साल के अंदर. ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कंटिन्यूसली रहा है या कंटिन्यूसली नहीं रहा. और दूसरी चीज़ इसमें आपने ये भी देखनी है कि अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, पाकिस्तान में हूँ लेकिन मैं लाहौर में, इतने दिन लाहौर में रहा, इतने दिन मैं फैसलाबाद में, इतने दिन इस्लामाबाद में, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती. पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान में है, ओके फाइन, तो 183 डेज काउंट करें और वो रेजिडेंट पर्सन होगा. सही है. अब यहाँ पे बताया गया है कि इनकम टैक्स रूल्स हैं, उसमें ना चीज़ें इनको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा बंदा, कौन सा इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा. सही है.
इसमें रूल्स हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ द डे द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, काउंट एज अ होल डे ऑफ सच अ प्रेजेंस। सही है, कैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कौन सी, इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान एंड डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो जनवरी 1 को आया है पाकिस्तान के अंदर और 28 फेब को चला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या इंक्लूड करना है, जनवरी 1 का दिन भी गिनना है और 31 दिन जनवरी के हो गए और 28 को जिस दिन वो गया है, जिस दिन डिपार्चर हुआ है वो दिन भी हमने काउंट करना है, यानी पूरे 2 माह, एग्जैक्ट 2 माह वो बंदा पाकिस्तान में रहा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि द फॉलोइंग डेज इन विच द इंडिविजुअल इज होली और पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट एज अ होल डे। ये 3-4 एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो में के में ये बताया गया है कि अगर पढ़ते हैं इसको, अ पब्लिक हॉलीडे हो, एक बंदा है वो पाकिस्तान में आया है लेकिन यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे थी, उसने कहा कि भाई ये तो पब्लिक हॉलीडे है तो मैं जो हूँ वो रेजिडेंट नहीं हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप रेजिडेंट हो, आप उस दिन भी रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे, मतलब रेजिडेंट स्टेटस काउंट करने के लिए वो पब्लिक हॉलीडे वाला दिन भी काउंट किया जाएगा। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, बीमार हो गया, बीमारी की जो छुट्टी है वो वाला दिन भी काउंट होगा। स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, कोई भी पंगा पड़ा पाकिस्तान के अंदर, वो बंदा पाकिस्तान में है, उस रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए वो दिन उसका उस स्टेटस वो दिन इंक्लूड होगा। सही हो गया। इसके बाद कोई भी उसने उसको पाकिस्तान भेजा गया, किसी ने बाहर से उसे पाकिस्तान भेजा, यहाँ पे उसने अपना काम कंप्लीट किया, काम कंप्लीट करके वो छुट्टियाँ इंजॉय करने लग गया, हॉलीडे स्पेंड करने लग गया। ये उसका मसला है, हमारे मुताबिक हम देखेंगे रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेट करते वक्त वो दिन काउंट करेंगे। सही है। अ डे और अ पार्ट ऑफ अ डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली बाय द रीजन ऑफ बीइंग ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान डज नॉट काउंट अडे। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल ये है कि एक बंदा है वो गया पाकिस्तान से बाहर का इंडिया, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, अब वो नॉन रेजिडेंट है तो अमेरिका से चाइना जाना था, उसकी ब्रेक लगी पाकिस्तान के अंदर ब्रेक लगी। जब वो पाकिस्तान में आया, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है पार्ट ऑफ अ डे का मतलब कि अगर 1.5-2 घंटे का उसका स्टे होगा, वो वाला जो पार्ट होगा वो उसका रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए वो हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिट के दरमियान आप किसी जगह पाकिस्तान में किसी जगह स्टे करते हो, वो ट्रांजिट वाला टाइम आप बाहर निकल के, जिस तरह आप गाड़ी में ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी किसी स्टेशन पे रुकती है, आप निकलते हैं बाहर जाके समोसे पकौड़े खा खू के वापस आ जाते हैं, वो जो आप वहां पे निकले हैं समोसे पकौड़े खाने के लिए, इसी तरह प्लेन में कई बार इस तरह होता है कि किसी कंट्री के अंदर प्लेन डायरेक्ट नहीं जाते, किसी कंट्री में उसको स्टे करना पड़ता है, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद नया प्लेन आता है, नए प्लेन से हम अगली कंट्री की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये वही एग्जांपल है, इसमें बता दिया है टू डिफरेंट प्लेसेस के दरमियान उसने बाहर ही जाना है तो वो पाकिस्तान में रहा तो वो उसका रेजिडेंट स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए काउंट नहीं होगा। आगे चलते हैं रेजिडेंट कंपनी। अब जो कंपनी है वो कब रेजिडेंट कंपनी होगी, रेजिडेंट कंपनी तब होगी जब वो इनकॉर्पोरेटेड होगी या फॉर्म बनी होगी अंडर द लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी लॉ, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस हो या इंश्योरेंस कंपनी ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, मुदालबा कंपनी और कोई भी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, इन सब कंपनीज जो कंपनीज के एक्ट्स हैं इसके अंडर अगर वो इन्फोर्स हुई और पाकिस्तान में है तो वो एक रेजिडेंट कंपनी होगी। या फिर दूसरी चीज क्या है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक हो गया, कि उसके जो मैनेजमेंट अफेयर्स हैं, किसी कंपनी के मैनेजमेंट अफेयर्स अगर पाकिस्तान में एट एनी टाइम किसी भी वक्त, किसी पूरे साल में किसी भी वक्त, किसी भी वक्त का मतलब क्या है, 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 1 दिन के लिए भी अगर पाकिस्तान से उसके
अफेयर्स जो है, मैनेजमेंट जो है, वो पाकिस्तान में हुआ तो वो एक रेजिडेंट कंपनी होगी। एक तीसरी चीज, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये क्या है, रेजिडेंट कंपनी है। फिर रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, उसमें क्या कहते हैं कि जी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी द रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, सही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर, किसी भी वक्त पाकिस्तान में उसके जो अफेयर्स वगैरह पाकिस्तान में होंगे वो रेजिडेंट कंपनी होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अच्छी है, ये आप कर लीजिएगा, सिंपल है, तो इसमें एक आध हम कर लेते हैं। ये 4, BBL इज आन नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल हैं, ठीक हो गया। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वॉज आउटसाइड पाकिस्तान, सही है। अगर मैं इस आखिरी लाइन को पढ़ूं कि उसका अफेयर पाकिस्तान से बाहर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रेजिडेंट कंपनी नहीं है, नहीं, ये ठीक हो गया जी, रेजिडेंट कंपनी नहीं है। लेकिन मैं अगले, अगर इसको पूरे का पूरा पढ़ूं, यहाँ पे ऊपर पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर वो इस्टेब्लिश हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये पॉइंट नंबर 1 आप पढ़ें, इस पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिडेंट कंपनी हुई। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, इफ़ द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, ये वही पहले वाली लाइन, इट इज़ ट्रीटेड एज रेजिडेंट कंपनी, सच कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट कंपनी मेयर merely on the basis of the control and management affair of the company was situated abroad। इसका मतलब आपने क्या करना है, पूरे का पूरा सिनेरियो ध्यान से पढ़ना है, फिर आपने डिसीजन करना है, और आपके माइंड में ये तीनों चारों चीजें पूरी होनी चाहिए, सही है। इसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी में से, कौन सी, ये थर्ड करते हैं। ऑन 1st February 2019 को मिस्टर सिमाल वॉज सेंट टू पाकिस्तान बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2019, जिस दिन आया वो दिन भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब 28 दिन 2019 के, फरवरी 2019 के, आगे चलेंगे मार्च के 31, 30 अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 23 डेज, इनको हम काउंट कर लेंगे और देख लेंगे कितना बनता है, कितना बना है ये जी, इसको काउंट किया, टोटल किया, और ये 183 डेज से कम बने, ये 150 डेज बने, और ये है लेस देन 183 डेज, तो ये क्या है, एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है। अच्छा, इसके रिलेटेड पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि रेजिडेंट का स्टेटस हम नीचे पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल पाकिस्तान में कौन सी इनकम होती है, बाहर कौन सी इनकम होती है, वो हम ज़रा निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है, ये देखें, द इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट दैट आर हिज पाकिस्तानी सोर्स इनकम एंड द अमाउंट दैट इज हिज फॉरेन सोर्स इनकम। इसका मतलब ये है क्या कि पाकिस्तान सोर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी रेजिडेंट की, सही है, और रेजिडेंट की ही फॉरेन सोर्स इनकम भी चार्जेबल टू टैक्स होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम सिर्फ नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम चार्ज होगी, जो सिर्फ पाकिस्तान होगी, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। अच्छा, इनसे हम दो चार चीज़ें कंक्लूड करते हैं, क्या कि ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी हमारे के जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको, उसने टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं। अगर आप सेक्शन 114 पढ़ें ना, सेक्शन 114 में लिखा हुआ है कि हर वो बंदा जिनकी इनकम टैक्स, हर वो बंदा जिसने
NTN ले लिया हुआ है, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। अच्छा, अब सिनेरियो फॉर एग्जांपल ये है कि एक बंदा है, वो पाकिस्तान का शहरी है, रेजिडेंट है, यहाँ से चला गया पाकिस्तान से बाहर। अब उसको 183 डेज से ज़्यादा देर हो गई है बाहर है, मतलब 200 दिन बाहर रहा है, अगले 163 डेज है, जितने दिन भी बचे वो पाकिस्तान में आया वापस। अब वो रेजिडेंट तो था नहीं, अब क्या वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा? वो करेगा, चाहे अपनी नील की रिटर्न फाइल कर दे, वो अपनी रिटर्न तो लाजमी फाइल करेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 114 में लिखा हुआ है, पर्सन होल्डिंग NTN शैल बी लायबल, किस लिए? कि वो रिटर्न अपनी सबमिट करवाए। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट कंपनी भी हो गई जी। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? हमने टैक्स को डिटेल से देख लिया था, यहाँ पे टैक्स में टैक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन किया है, किस तरह ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हुई हैं इसने, क्या कि टैक्स मीन टैक्स इम्पोज्ड अंडर द ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड एनी पेनल्टी फी और अदर चार्जेस और एनी सम और अमाउंट लेवियबल और पेएबल अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें इसने नई इंक्लूड की हैं जो हमने पहले नहीं शायद पढ़ी थी। ये पेनल्टी भी जो है आपकी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर ही आती है, और इसके अलावा एनी अदर फी और चार्जेस, ये भी टैक्स लाइबिलिटी के अंदर ही आते हैं। अच्छा, अब टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? टैक्सेबल इनकम तो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद ये डिफरेंट रेट्स इसने टेबल दिया हुआ है, ये वाला टेबल आई थिंक ये चेंज हो चुका है। ये चेंज हो चुका है, आई कैप ने एक सप्लीमेंट्री मटेरियल इशू किया है, उससे आपने देख लेना है, अगर तो चेंज हो गया तो वो आपने यूज़ कर लेना है, अदरवाइज ये चलेगा। टैक्स रेट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे किस तरह बताया कि टैक्सेबल इनकम अगर एक इंडिविजुअल की चार लाख है या उससे कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा, 4 लाख से 8 लाख के दरमियान है तो 1000 टैक्स है, 2000 टैक्स है, इसी तरह ही आगे चलते हैं। आगे AOP है, AOP के लिए ये टैक्स रेट्स हैं। कंपनीज जो हैं, कंपनीज के लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स होते हैं, उसके लिए कंपनीज के लिए सेक्शन उसका अलग सेक्शन में बताया गया है कि टैक्स कंपनीज के लिए 29% है ऑफ टैक्सेबल इनकम के ऊपर। सही है। आपने टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें यह बताया हुआ है कि टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टैक्सेबल इनकम होती क्या है, फिर उसके बाद रेट ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्सेस, ये वाले रेट ऑफ टैक्सेस, जितनी टैक्सेबल इनकम होगी उस लिहाज से हमने टैक्स का रेट लगाना है और माइनस कर देने हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स क्या चीज़ होती है, टैक्स क्रेडिट क्या चीज़ होती है, ये एक अलग चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, बड़ी डिटेल के साथ ही हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी, आपने उसमें से लेस कर देना है टैक्स क्रेडिट को। अगर आपने देखा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर यार टैक्स क्रेडिट बहुत ज़्यादा सारे दे दिए हुए हैं, जो कि होता है इसी तरह, नॉर्मली इसी तरह ही होता है, क्वेश्चन के अंदर 3-4 टैक्स क्रेडिट्स दे देते होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स भी हो जाते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस जो आपने ऊपर पढ़े हैं वो भी होते हैं, डिडक्शंस भी होती हैं, बड़ा कम्प्लेक्स सा करके आई कैप क्वेश्चन बनाता है। आपने देखा क्वेश्चन, देखा उसमें जी टैक्स क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा किस्म के आ गए, तो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको आपने क्रैम कर लेना, अच्छी तरह याद कर लेना, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है, ये मैंने क्यों कहा है, ये इसलिए कहा है कि ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद आपने ये वाले टैक्स क्रेडिट लेने हैं, सेकंड स्केड्यूल वाले लेना है, तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉ ने कह दी है ना, हमें चुप करके माननी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वेर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 मिलियन, आपने 8 लाख रुपये पे करना है, जमा जिसकी 6 मिलियन से ऊपर इनकम है ना उसके ऊपर आपने 30% टैक्स देना है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये 30% ही क्यों देना है, या ये 8,80,000 क्यों देना है, इसकी क्या लॉजिक है? तो भाई इसकी कोई लॉजिक नहीं है। ये कुछ इसमें टैक्स में चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूछना गुनाह होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये तो आपको गुनाह होगा, आपको पाप
पड़ेगा। आप एक बच्चे को, एक टीचर को आप तंग कर रहे हो, क्योंकि ये उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने या बोर्ड ने ये डिसाइड कर दिया है कि भैया आपने 30% टैक्स पे करना है तो करना है। अब क्यों करना है ये उनको पता है, हमारे लिए क्या है कि हमने टैक्स ये पे करना है, करना ही करना है। अब डिफरेंट प्रोविजंस जो प्रोविजंस लिखी हुई है ना उसमें, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसके मुताबिक एक ना सीक्वेंस बन गया है कि आपको टैक्स क्रेडिट कौन सा पहले लेना है, उसके बाद फिर कौन सा लेना है, कौन फिर उसके बाद कौन सा लेना है। इसमें कोई टेक्निकलिटीज इसमें है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ये वाले टैक्स क्रेडिट होते क्या है, ये होते क्या है, ये अलग चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन ये इसने, इसकी आपने सीक्वेंस याद कर लेनी है कि ये सबसे पहले हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेना है, फिर उसके बाद ये वाले चैरिटेबल डोनेशन वाला टैक्स क्रेडिट लेना है, फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर वाला टैक्स क्रेडिट लेना है, फिर सेकंड स्केड्यूल वाले टैक्स क्रेडिट लेने हैं, इसी तरह सो ऑन, सारे के सारे आपने टैक्स क्रेडिट ले लेने हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। आपने टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, कैसे कैलकुलेट कर ली, ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट ऐसे कर लिया ये, उसके बाद ग्रॉस टैक्स में से आपने रिडक्शंस या क्रेडिट्स ये जो आपने ऊपर हमने पढ़े हैं वो लेस कर दिए। इसके बाद हमारा आ गया नेट टैक्स, सही है। नेट टैक्स के बाद आपने टैक्स ऑलरेडी पेड इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स। टैक्स ऑलरेडी पेड क्या चीज़ होती है, ये जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं 50,000 के ऊपर, टैक्स आप जो है बैंक है ना वो आपका टैक्स काट लेता है। जो टैक्स वो काटता है ना वो होता है टैक्स ऑलरेडी पेड, वो एडजस्टेबल होता है। किसके अगेंस्ट, आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो एडजस्टेबल होता है, उसको हम लेस कर सकते होते हैं। ये वो वाले लिखे हुए हैं, ये भी हम आगे इंशाल्लाह चलते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से टैक्स जो एडजस्टेबल है, कौन से नॉन एडजस्टेबल है। उसके बाद हमारा बैलेंस, ये वाली जो अमाउंट आ जाती है वो टैक्स पेएबल होती है या टैक्स रिफंडेबल होती है, रिबेट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी बताया कि भाई आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर हम बता देंगे कि टैक्स रिबेट्स ये होते क्या हैं, चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम्स की बात की है उसने, बताया कि डिफरेंट टाइप्स की टैक्स रिजीम्स होती हैं। टैक्स रिजीम क्या चीज़ है ये आपको बता देते हैं, इसको मैंने अलग थोड़ा सा किया था, ये देखिए ये टैक्स रिजीम्स। टैक्स रिजीम पाकिस्तान में जो है ना एप्लीकेबल, तीन किस्म की टैक्स रिजीम होती हैं। एक तो होती है फाइनल टैक्स रिजीम, एक होती है नॉर्मल टैक्स रिजीम, तीसरी जो होती है ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम होती है लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक होती है। ये इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये सेपरेट ब्लॉक क्या होती हैं। नॉर्मल जो टैक्स होता है उसके अंदर मिनिमम टैक्स होता है और बाकी जो नॉर्मल मिनिमम टैक्स के अलावा। अच्छा, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ये फाइनल टैक्स को। फाइनल टैक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल टैक्स दिया हुआ है, हम जाते हैं फाइनल टैक्स के ऊपर। फाइनल टैक्स, ये फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है। फाइनल टैक्स रिजीम ये होती है कि आपने कोई एक्सपोर्ट की चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट वाले आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है उसके ऊपर ना आपका टैक्स काट लेते हैं, टैक्स काट के ना अपने गवर्नमेंट ट्रेजरी को पे कर देते हैं। मतलब वो जो टैक्स कटता है वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है, वो नॉन एडजस्टेबल होता है, सही है, वो बिल्कुल फाइनल होता है, आपको उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते, वो फाइनल टैक्स होता है आपका, सही है। फाइनल टैक्स की ये यहाँ पे कोई करेक्टरिस्टिक्स लिखी होती हैं कि फाइनल टैक्स के ऊपर ये चीज़ें, ये रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। कौन कौन से, सच अ इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड्स ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, सही हो गया। ये एक अलग से होता है, अलग इनकम होती है, यानी आपने जब इनकम कैलकुलेट करनी है उसमें से आपने लेस कर देना है वो इनकम जो कि सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स होगी, उसको आपने बिल्कुल साइड पे कर देना है, सही है। उसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है, सही। आगे यहां पे बताया कि नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द एक्सपेंडिचर इनकम इन ड्राइविंग इनकर्ड इन ड्राइविंग द इनकम,
ठीक है, यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें आपको जो फाइनल टैक्स होता है ना, फाइनल टैक्स रिजीम होती है, इसमें आपकी जितनी भी इनकम, जिस तरह एक्सपोर्ट की मैंने एग्जांपल दी थी, एक्सपोर्ट की ग्रॉस सेल के ऊपर 1% टैक्स लगता है जो आके आपका फाइनल होता है। आप उस ग्रॉस रिसीट्स में से डिडक्शन नहीं कर सकते, एक्सपेंसिस को लेस नहीं कर सकते। फिर नीचे वही बात बताई है कि द अमाउंट ऑफ द इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, ज़कात होते हैं, WPPF होता है, WWF होता है, फिर उसके बाद एजुकेशन के ऊपर आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर आपको मिलता है। ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, सही है। फिर आपका कोई पुराना लॉस पड़ा हुआ था वो आप नहीं एडजस्ट कर सकते, इसके अगेंस्ट आपका ये जो टैक्स कट गया वो फाइनल होगा। द टैक्स डिडक्शन इज नॉट रिड्यूस बाय टैक्स क्रेडिट्स, जो ऊपर मैंने बात की है टैक्स क्रेडिट्स की, उसके सीक्वेंस की बात की है, सही है, वो भी इससे आप रिड्यूस नहीं कर सकते। और ये एक और बात लिखी हुई है कि नॉट नो रिफंड और नो एडजस्टेबल टैक्स कलेक्टेड एज डिडक्टेड एट सोर्स अनलेस सच इज इन एक्सेस ऑफ द फाइनल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फाइनल टैक्स बन रहा था 1% के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा था 1,00,000, लेकिन आपका टैक्स कट गया 1,10,000 रुपए, सही। अब जो 1,00,000 रुपए आपका कटा है ना, वो भी वो तो किसी सूरत भी रिफंड ही नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। यहाँ पे इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइनल टैक्स का मतलब ये है 10,000 रुपए, सही है, जो आपका 10,000 एक्स्ट्रा कट गया वो आपका रिफंड या एडजस्टेबल हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, सही है। इसके बाद चलते हैं आगे, वो कहता है कि An assessment is treated to have been made and the person is not required to furnish a return of income in respect of such income. अगर उसकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है, फाइनल इनकम है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, सही है, ओके हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि वेरियस एग्जांपल्स है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी की, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ आ जाती है वो यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट, सही है, इस पे जो टैक्स कटता है आपका प्रॉफिट ऑन डेट के अंदर, वो आपका फाइनल होता है। आपको याद है मैंने ज़कात के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज़कात आपने आपको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड होती है और आपने उसको टोटल इनकम में से लेस करना होता है, सही है। लेकिन अगर किसी कंपनी का, अगर किसी इंडिविजुअल का जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो अंडर 7B के आता हो, 7B के मतलब कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता हो, तो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ होगी, एज अ डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होगा ज़कात। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें टैक्सेबल अंडर 7B है, इसका मतलब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। किसके किस केस में, कंपनीज के केस में, सही है। सेल ऑफ गुड्स बाय एन इंडिविजुअल AOP एंड ट्रेडिंग कंपनी अंडर सेक्शन 153, ठीक है, उसके केस में फाइनल होता है। एक्सपोर्ट्स, जिसकी अभी मैं 2-3 दफा एग्जांपल दी है एक्सपोर्ट की, सही है, इसमें ऑप्शंस होती हैं, आपने अडॉप्ट करनी होती हैं, ये आगे चल के पढ़ लेंगे अगर आपके सिलेबस में हुआ, मेरा ख्याल है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही है। आगे चलते हैं, प्राइस एंड विनिंग्स के ऊपर आपका टैक्स कटता है, ब्रोकर एंड कमीशन के ऊपर आपका टैक्स कटता है, ये जो होता है ये आपका फाइनल टैक्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये फाइनल टैक्स को तो ओके कर लिया, हमने इसको पढ़ लिया है, सही है। आगे चलते हैं ये वाला नॉर्मल टैक्स के ऊपर। नॉर्मल टैक्स आपको पता है, नॉर्मल टैक्स के अंदर सिर्फ टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम में से हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं और फिर उसके ऊपर एक रेट लगाते हैं और हम टैक्स पे कर देते हैं। नॉर्मल इनकम में दो चीज़ें आती हैं, दो किस्म के टैक्स होते हैं, क्या, एक मिनिमम टैक्स होता है, एक नॉर्मल, जिसकी अभी मैंने एग्जांपल दी है, जो मैंने अभी बताया है आपको कि नॉर्मल ही होता है। मिनिमम टैक्स पहले पढ़ लेते हैं। मिनिमम टैक्स क्या होता है, सर्टन टाइप्स ऑफ इनकम आर सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ सारी की सारी नहीं है जो मिनिमम टैक्स है, उसमें से कुछ हैं, कुछ कौन सी होती हैं, कुछ ये मिनिमम टैक्स पहले होता क्या, सॉरी ये मैंने आपको बताना है, पहले मिनिमम टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप इतनी सेल कर रहे हो आप ये काम भी अच्छा है, ये
मतलब अगर आपने सेल किया रजिस्टर्ड पर्सन को, बड़ी अच्छी बात है आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया, हम आपको इसका थोड़ा सा एक एडवांटेज देते हैं, एडवांटेज दे देते हैं, सही है, क्या एडवांटेज देते हैं कि आपने इसका जो टैक्स इसके ऊपर कटा है वो ये इतना आप कम रेट पे काट लो, लेकिन जो टैक्स कटा है वो सारे का सारा मिनिमम है, यानी कि आपने जो टैक्स काटना है आप उसके ऊपर 4% जो आपका विदहेल्ड करेगी, यानी कि जो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी किसी को सप्लाइज करती है, कंपनी रजिस्टर्ड है और अगले रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाइज करती है, अगला रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स काट लेता है 4.5%। ये परसेंटेज जो है ये 153 सेक्शन में शायद वहाँ पे उन्होंने बताई हुई है, ठीक है 4.5% है, या अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 10% है, वो अगला बंदा उनका टैक्स हमारी कंपनी का टैक्स काट लेता है। अब जो टैक्स वो कटा है ना वो मिनिमम टैक्स है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ मेरा अगर 1,00,000 रुपए टैक्स कट गया लेकिन मैंने नॉर्मली अपनी, क्योंकि ये नॉर्मल में आ रही है ना, ये देखें नॉर्मल में आ रही है, मैंने फिर दो तरह की कैलकुलेशन करनी है, पहले मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है मेरा नॉर्मल के मुताबिक टैक्स क्या बन रहा है, नॉर्मल मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, मैं नॉर्मल ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरी टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम में से मैं डिडक्शंस वगैरह ये वो सारा कुछ लेस करूंगा, लेस करके उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट्स जो हैं जो मैंने अभी थोड़ा ये जो पहले ऊपर मैंने बताए थे वो वाले रेट्स लगाएंगे, रेट्स लगा के मेरी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, फॉर एग्जांपल वो बन गई मेरी 50,000 पे लायबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने सेल की हुई है उसमें से मेरा जो टैक्स कटा हुआ है जो 4.5% के हिसाब से जो मेरा टैक्स कटा हुआ है वो बन रहा है मेरा 60,000 रुपीज़। तो नॉर्मल लायबिलिटी मेरी चाहे 50,000 है लेकिन मिनिमम जो मिनिमम से मिनिमम मैंने 60,000 लाजमी पे करना है, हर हाल में पे करना है, ये होता है मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा मिनिमम टैक्स रिजीम की यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जो हम इंपोर्ट्स कमर्शियल इंपोर्टर जो होता है, कमर्शियल इंपोर्टर यार वो होता है जो चीज़ें खरीदता है और वैसे की वैसे आगे सेल कर देता है, ये ठीक है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो आपका ये वही रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो 10% कटता है ये मिनिमम होता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो टैक्स कटता है वो भी मिनिमम होता है, ये आपने बस पढ़ लेना है इसको, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ मिनिमम टैक्स की ना सर्टन केसेस सर्टन पर्सन बताए हुए हैं, मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टन पर्सन, इसको जो मैंने हाईलाइट किया ना ये आप पढ़ें कैसे, दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रेजिडेंट कंपनी, ठीक है, और एन इंडिविजुअल, ठीक है, या AOPs, ये उन रेजिडेंट कंपनी इंडिविजुअल या AOPs के ऊपर लगता है। किन रेजिडेंट कंपनी इंडिविजुअल AOP जिनकी इनकम 10 मिलियन रुपीज से, इनकम नहीं सॉरी, जिनकी जिनका टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा होता है। अच्छा अब मसला यहाँ पे आ गया कि ये टर्नओवर क्या चीज होती है, टर्नओवर आपको बता देते हैं, टर्नओवर चीज ये होती है कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, टर्नओवर हम पढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। टर्नओवर मीन्स, ये मीन्स वाली है, देखा आपने वो इनकम की जो डेफिनेशन थी वो इंक्लूड्स वाली थी, ये मीन्स वाली है। टर्नओवर का मतलब है, टर्नओवर मीन्स द ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स, सही है, ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, सही, या FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसके अंदर नहीं होगी, और एनी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट जो के बिल के ऊपर इनवॉइस के ऊपर बिल के ऊपर शो हो रहा हो ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स सेल की हैं, ये गुड्स सेल करने के केस में हमारी रेवेन्यू की डेफिनेशन है। एंड आल्सो एक्सक्लूडिंग, एक और चीज एक्सक्लूड कर रहा है, एनी अमाउंट टेकन एज डीम्ड इनकम एंड इज असेस्ड एज अ फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सही हो गया। इसकी मैंने एक एग्जांपल बनाई है यहाँ पे, ये कंपनी है, कंपनी ए एक्सपोर्ट कर रही है 1 मिलियन की, ग्रॉस सेल उसकी इस साल की पूरे साल की ग्रॉस सेल है 1 मिलियन रुपीज, टोटल उसकी सेल होगी 2 मिलियन रुपीज, सेल टैक्स है 1,70,000 रुपये, कैसे 1 मिलियन का 17% मैंने लगा दिया। अब नेट सेल इसकी ये है, सही है, और
डिस्काउंट भी वो कंपनी दे रही है, कितना 50,000 रुपीज़। अब फाइनल जो सेल है ना उसकी 3.78 मिलियन है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने देखा ये इसकी फाइनल सेल है, लेकिन मैंने मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है, सही है। अब चले इस तरह करें जी, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 10 मिलियन कर लो, इसको भी 10 मिलियन कर लो, इसको मैं कर लेता हूँ इसका 17%, सही है, और इसको जी मैं कर लेता हूँ ये अमाउंट, ठीक हो गया। ये मेरी फाइनल सेल आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी टोटल सेल, मैंने मिनिमम टैक्स के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये मेरी टोटल सेल कौन से वाली, ये वाली, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा कौन सी, ये वाली अमाउंट एक्सपोर्ट। उसकी क्या वजह है, ये मैं क्यों लेस कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई उसने यहाँ पे ही बता दिया हुआ है कि आपने टर्नओवर में से एक्सक्लूड कर देनी है कौन सी अमाउंट जो कि फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट हो, कौन सी जिसके ऊपर आपने फाइनल टैक्स पे कर दिया है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं डिस्काउंट भी लेस कर रहा हूँ, क्या वजह है, मैं क्यों लेस कर रहा हूँ, मैं इसलिए लेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट आपने लेस कर देना है, सही है। लेस कब करना है, जब वो इनवाइस के ऊपर शो हो रहा है, बिल के ऊपर शो हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा कि अगर तो बिल के ऊपर इनवाइस के ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो हो रहा है फिर आपने लेस करना है, अदरवाइज आपने लेस नहीं करना। और आप देख रहे हैं कि ये मैंने टोटल सेल ली है, सही है, इसमें से सॉरी ये मैंने टोटल सेल ली है, टोटल सेल में से ये 1.7 मिलियन इसका जो ग्रॉस सेल का 17% है वो मैं लेस नहीं कर रहा, सॉरी उसको, हाँ ठीक हो गया। इसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेल्स सेल्स टैक्स कितना है हमारा, ये और इसको मैं कर लेता हूँ सबको सम, ये अब मेरी टोटल सेल है, उस पर मैंने एक्सपोर्ट सेल को लेस कर दिया, सही है, डिस्काउंट को मैंने लेस कर दिया, सेल्स टैक्स को मैंने लेस कर दिया, और ये मेरी ग्रॉस सेल्स आ गई, सही है। ये मैंने अज्यूम किया था कि मेरी ग्रॉस सेल्स नहीं है, इनक्लूसिव है ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, ये टोटल मेरी इसके अंदर सेल टैक्स मौजूद था, मैंने टोटल सेल ले ली, सेल में से ये वाली चीज फाइनल टैक्स वाली निकाल दी, उसमें से मैंने डिस्काउंट लेस कर दिया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आपने डिस्काउंट भी लेस करना है, उसके बाद सेल्स टैक्स को लेस कर दिया क्योंकि ये सेल्स टैक्स इंक्लूसिव था, और ये सेल्स टैक्स भी मैंने लेस कर दिया है, ठीक हो गया। ये वाली जो मेरी अमाउंट होगी ये मेरी टर्नओवर होगा किसके लिए, मिनिमम टैक्स के लिए, इसके ऊपर मैं रेट लगा दूंगा, कौन सा रेट लगा दूंगा, 1.25%। अब ये मेरी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी मिनिमम 1.25%, मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1.25% होगा, रेंजिंग कंपनी का उन्होंने रेट लिखा हुआ है 1.2% से 1.25% होगा, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा ये सेल्स के पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया था इसको, यहाँ पे एक्सप्लेन इसने किया हुआ है जी रेंडिंग ऑफ सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे फिर वही बात बताई हुई है जो सेपरेटली हो, मतलब सेपरेटली चार्ज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगी उसके ऊपर सेपरेट आपने टैक्स पे कर दिया हुआ है ये वो, फिर ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया हुआ है ये। अच्छा ये हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक छोटी सी कंपनी है, कौन सी, एबीसी एंड कंपनी है, कंपनी नहीं सॉरी एबीसी एंड कंपनी, एक एओपी है, इज एन एओपी विद अ टर्नओवर कितना है, 16 मिलियन। लो जी 10%, 10 मिलियन से तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये इस पे मिनिमम टैक्स तो लगेगा। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019 इफ द टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ एओपी है इतना,
कंप्यूट दी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एओपी। मैंने आपको कहा था कि हमने दो, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये है तो नॉर्मल टैक्स, अगर नॉर्मल टैक्स है इसका मतलब है हमें नॉर्मल टैक्स से अलग से वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी लाइबिलिटी की और मिनिमम अलग से, सही है। ये वही यहाँ पे किया गया है, कैसे कि आपने नॉर्मल इसकी ये वाला नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंडर टैक्सेबल प्रॉफिट ले लिया ये, और इसके ऊपर आपने रेट लगा दिया ऊपर वाले टेबल से देख के, ठीक है, रेट लगाया तो ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। लेकिन ये 10 मिलियन से ज़्यादा है, इस पर मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स भी लगेगा अंडर सेक्शन 113 वाला, कितना 1.25%, ये 2 लाख, सही हो गया। इसके बाद ना हमारा एक ये वाली चीज रहती है, कौन से वाली, मिनिमम, हाँ मिनिमम टैक्स हो गया, ये भी हो गया, नॉर्मल वाली रह गई, नॉर्मल हमने ऊपर छोड़ा था, यहाँ पे चलते हैं, ये टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ टैक्स पेयर, सही है, ग्रॉस अमाउंट चार्जेबल रिड्यूस बाय डिडक्शंस अलाउड, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे ये वाली इनकम, इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज, ये मैंने कल भी इसको इसका आपको थोड़ा सा बताया हुआ है, कल ये बताया था कि इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज एज एन इनकम विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, और क्यों उसका पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, अब ये जो है सब्जेक्ट टू द सेपरेट चार्ज में ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी चीज़ें जी, डिविडेंड आ जाता है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, फिर टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इन्वेस्टमेंट इन स्कूक्स, सही है, रॉयल्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये वो सारे के सारे एग्जांपल है किसकी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की, सही है। आगे चलते हैं, फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द इनकम सब्जेक्ट टू द सेपरेट चार्ज, जिस तरह मैंने फाइनल एफटीआर वाले में बताया था इसी तरह इसमें है, ये रूल्स हैं कौन कौन से हैं, पहला पढ़ते हैं जी, टैक्स इम्पोज्ड द फाइनल टैक्स, सही हो गया, इसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया वो आपका टैक्स फाइनल होगा। आगे चलते हैं, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ, अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, सही है, किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंडर ये नहीं होगा, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यहाँ पे टैक्स दे दिया तो उसको साइड वे करके रख देना है, ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होगा, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होगा। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग सच एन इनकम, सेम उसी की तरह फाइनल टैक्स की तरह, आगे ये भी फाइनल टैक्स की तरह ही है, द फाइनल टैक्स पेएबल नॉट बी रिड्यूस में टैक्स क्रेडिट अलाउंसेस वगैरह, कुछ भी नहीं होता, सही है, ये कुछ एग्जांपल्स उसकी बताई हुई हैं उन्होंने। आगे चलते हैं, टैक्स ऑन डिविडेंड रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज कॉन्सेप्ट, अच्छा यहाँ पे डिविडेंड है, डिविडेंड की डेफिनेशन है, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, समझ लेनी है, समझा देता हूँ मैं होती क्या है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना, क्रैम कर लेना, समझने के बाद दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं टैक्स के पेपर में, एक तो है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा क्रैमिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी मर्जी हो, क्वेश्चन आ गया डिविडेंड को आप डिफाइन करो तो आपकी क्रैमिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग जितनी मर्जी हो आप उसको नहीं लिख सकते, उसकी वजह क्या है, अंडरस्टैंडिंग हो आप कहते हैं कि यार मुझे पता है कि जो टैक्स है ना, जो सॉरी डिविडेंड है वो आपका होता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा है। फिर आप कहते हो कि ये डिविडेंड मे बी इन फॉर्म ऑफ, किन किन फॉर्म में होता है, आपको पता है, आपको अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मनी, लेकिन आप इन इन 7-8 चीज़ों में से कुछ चीज़ भूल जाते हो, भूल जाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो है लेकिन आप भूल गए हैं, इसी को लिए इसी एक डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, ठीक है, मैं इसलिए जोर देता हूं कि आपने क्रैम करना है, क्रैमिंग बहुत जरूरी हो जाती है, सही है। अच्छा, डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है कि डिविडेंड इंक्लूड्स, ले जी इंक्लूसिव डेफिनेशन आ गई है, सही है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स,
मतलब क्या है कि उसकी कंपनी जब बनती है, कंपनी अपना ना प्रॉफिट आता है, नई नई कंपनी बनी, उसको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट उसने ना 50 मिलियन प्रॉफिट आया, 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 मिलियन बचा के रख लिया, फिर इसी तरह अगले साल उसने 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 30 मिलियन बचा के रख लिया। ये जो बचा के रखते जाती है ना, तो वो अक्यूमुलेट होता जाता है, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। और डिविडेंड मे बी इन फॉर्म ऑफ, अगर आपने डिविडेंड इस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कैश पे कर दिया तो वो डिविडेंड है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है कंपनी ने वो डिविडेंड है। इसके अलावा इन केसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं वो भी आपका डिविडेंड है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग मनी, आपने पैसे चिल्लर, ठीक है, चिल्लर आपने ट्रांसफर कर दिया मेंबर्स को, ये पैसे बचे पड़े थे ये आप ले लें, मेंबर्स नहीं शेयर होल्डर्स को आपने ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या है? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, वो क्या चीज है? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनी है, कंपनी के हालात माड़े हैं, पतले हैं, कंपनी बंद हो रही है, सही है, कंपनी बंद हुई है, सारी चीजें लाइबिलिटीज वगैरह पे कर दी है, कुछ चीजें, कुछ पैसे बच गए या कुछ एसेट्स बच गए, कंपनी ने क्या कर दिए? वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किनको? मेंबर्स को। जब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो क्या हुआ? डिविडेंड हुआ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी कंपनी थी, कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 10 मिलियन था, उसने 10 मिलियन से कम करके 8 मिलियन करना चाहा, जब 8 मिलियन कम करेगा तो शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करने पड़ेंगे, जो पैसे वो वापस करेगा वो आपका डिविडेंड होगा, सही है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल कॉर्पोरेट लॉ में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि लोन और एडवांसेस गिवन बाय द प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और ट्रस्ट टू इट्स शेयर होल्डर। इसका मतलब है कि अगर प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी ने अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया है, सही है, मैं एक प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा यार मुझे ना 2 लाख रुपए दे दे। अब जो कंपनी तो मुझे, कंपनी ने तो मुझे लोन दिया हुआ है, सही है, कंपनी ने जो मुझे लोन दिया हुआ है, कंपनी कहेगी कि भाई मैंने लोन दिया है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगा नहीं, तुमने लोन नहीं दिया, तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर तुमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तुम्हारी लायबिलिटी है कि तुम 15% उसके ऊपर टैक्स काटो, 15% या 7.5%, डिफरेंट रेट्स हैं, वो नीचे दिए गए हैं, वो मैं बता देता हूं आपको, सही है। प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली भाई? प्राइवेट कंपनी वो वाली कंपनी जिसको कंपनीज ऑर्डिनेंस ने बताया है। अच्छा, यहां पे ये जितनी भी बातें हो रही है ना ऊपर 5-6 जो मैंने बातें करती हैं, उस सब के लिए ये लिखा हुआ है, ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस मस्ट बी अप टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर आपका 10 मिलियन का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, आपने लोन दे दिया 12 मिलियन, तो डिविडेंड कितना हुआ? 10 मिलियन, सही है। एक्सटेंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्रपोज्ड बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक नीचे एग्जांपल दी है, वो हम एग्जांपल कर लेते हैं, इसी यही कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सरसाइज है ए। Omega Private Limited is engaged in the business of trading of sale of fertilizer. ठीक है? The company has extended the loan of 2.5 million to one of its shareholder. Company ने क्या किया जी? Loan दे दिया. यही मैंने अभी जो आपको example दी. कितना? 2.5 million का 2019 में. ठीक है? When the accumulated profit of the company कितने थे? 1.8 million. Determine the amount to be treated as dividend. हाँ जी. क्या मैंने बताया था? मैंने ये बताया था कि डिविडेंड कितना होगा? टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का कितना पड़ा हुआ था? 1.8 मिलियन। तो डिविडेंड कितना हुआ? 1.8 मिलियन। ये आपने पढ़ लेना है, सही है। ऊपर चलते हैं दोबारा, दो चीजें रह गई थी, ये चीज। अ कंपनी अमाउंट एक्सपेंडेड बाय प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर को पैसे तो दिए नहीं, ठीक है, यहाँ पे लोन शोन भी नहीं दिया। शेयर होल्डर ने कहा कि भाई मैं ना मंथली इतने पैसे ना फलां बैंक को देता होता हूँ, मैं फलां बंदे को मैंने देने होते हैं,
तो आप मेरे भाव पे ना उसको पेमेंट कर दो। कंपनी कहती हो ठीक है कोई मसला नहीं हम पेमेंट कर देते हैं। कंपनी ने जी क्या किया पेमेंट कर दी। अब जो पेमेंट कर दी ना प्राइवेट कंपनी ने, किस कौन सी कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने, कौन सी प्राइवेट कंपनी, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर है उस प्राइवेट कंपनी ने जो पेमेंट कर दी है ना वो भी डिविडेंड है, सही है। एनी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ द फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड इन पाकिस्तान, कोई भी कंपनी थी जिस तरह KFC है, सही है, ये फॉरेन कंपनी है फॉर एग्जांपल, सही, ये पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है, काम कर रही थी, इसने जो प्रॉफिट जो है ना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाहर अपनी फॉरेन कंपनी को पे कर दिया, सही है, वो क्या होगा आपका डिविडेंड होगा, सही। उसके बाद ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं इसने, तीन चार चीज़ें हैं कि ये ना आपका डिविडेंड नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स फॉर फुल कंसिडरेशंस और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर स्टॉक्स वेयर द होल्डर ऑफ द शेयर्स और डिबेंचर इज नॉट एंटाइटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट्स। सही होगा, हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इसमें अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते लिक्विडेशन के ऊपर, फिर जो उसको पैसे हम वापस करेंगे, जो हम उसको पेमेंट करेंगे, किनको, डिबेंचर स्टॉक्स वाले बंदे को या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम करवा रहे हैं। डिबेंचर्स क्या होता है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये इसको मैं इतना बता दूंगा कि कंपनी जो है ना पैसे ले लेती है, ठीक है, बंदों से, और उसको एक डिबेंचर इशू कर देती है कि भाई आप, आपको इसके अगेंस्ट ना हम इतना इंटरेस्ट पे करते रहेंगे और कुछ सालों के बाद आके हम आप ये कागज या ये डिबेंचर हमें वापस कर देना, हम इसको रिडीम कर लेंगे और पैसे हम आपको वापस कर देंगे। ये वो चीज़ है, ये डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक्स, ये स्टॉक्स वो होते हैं जो डिबेंचर स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ना ये ट्रेड हो रहे होते हैं, सही है, इनको जो पेमेंट वापस हो रही होती है वो डिविडेंड नहीं होती। इसके बाद अगली चीज, लोन और एडवांसेस बाय प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्विंग लैंडिंग बिजनेस, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका काम ही लैंडिंग करना है। यहां पे पहले मैंने बात की है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी लोन देती है या एडवांसेस देती है, किसे देती है, अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड होगा। यहां पे उसकी एक्सेप्शन है, ठीक है, इस रूल की एक्सेप्शन यहां पे है, क्या कि अगर कंपनी ने लोन दे दिया और वो प्राइवेट कंपनी ही है लेकिन उसका काम ही अब बिजनेस को ब्लेंडिंग है, तो फिर वो डिविडेंड थोड़ी होगा, सही है। आगे चलते हैं, सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाई थी, ये मिस्टर सलान है, ठीक है, इसने लोन लिया है अपनी कंपनी से, कंपनी ए है, इसने लोन ले लिया उससे 50,000 का। ये वाला जो पॉइंट है, कंपनी से कोई बंदा अगर प्राइवेट कंपनी से कोई शेयर होल्डर लोन लेता है, मिस्टर ये जो है अरसलान है, इसकी कंपनी है, इसी की थी, उसका शेयर होल्डर है, उसने लोन लिया, तो वो होगा डिविडेंड। ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि ये डिविडेंड है, सही है। बाद में यहाँ पे एक और बात कर रहा है कि सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द अमाउंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। देखें यहां पे एक्चुअल डिविडेंड आ गया, सही है, 50,000 का, पहले कंपनी से उसने लोन लिया हुआ था, उसने लोन लिया था लेकिन इनकम टैक्स कहता था आपका डिविडेंड है, लेकिन जब एक्चुअल डिविडेंड आया, ये सेट ऑफ किया, अमाउंट होगी जीरो, इसका मतलब हुआ कि इस साल में उसका कोई डिविडेंड नहीं है, ये अमाउंट को सेट ऑफ कर दिया मैंने, नो डिविडेंड, सही है। सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इज सेट ऑफ अगेंस्ट लोन ऑलरेडी ट्रीटेड एज डिविडेंड। इसमें जो लॉ है ना, एक्ट है हमारा, कंपनीज सॉरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, वो थोड़ा सा लीनियंट होने की कोशिश कर रहा है कि कहीं किसी बंदे के साथ ज्यादती ना हो जाए। वो कैसे है कि पहले उसका डिविडेंड आपको, आपने उसको पहले डिविडेंड ट्रीट कर लिया हुआ है, उसके ऊपर इसने जी 7500 यानी कि उसने टैक्स पे कर दिया हुआ है, सही है। अब दोबारा जब एक्चुअल उसको डिविडेंड मिलेगा फिर उसके ऊपर टैक्स कटे, नहीं यार ये इस तरह नहीं है, आप इस तो आप ऐसे करो, इसको डिविडेंड ट्रीट ना करो, सही। आगे चलते हैं,
Remittance of after-tax profit by the branch of petroleum exploration and the production, ये वो ठीक है, operating in Pakistan, ये आपने पढ़ लेना है. बाकी इसमें tax rates हैं, tax rates कौन कौन से, general tax rate 15% लगता होता है, ये मैंने आपको बताया था. और ये power plant project के ऊपर 7.5%, dividend on power generation company इसके ऊपर 7.5%, debenture stocks, dividend on stocks fund, ठीक है, ये सारे रेट्स हैं, ये आपने देख लेने हैं. आगे चलते हैं. डिविडेंड रिसीव्ड इज सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है, ये मैंने बताया कि आपको जब कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करती है उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कर लेती है, जो कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, और ये फाइनल टैक्स होता है, शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल टैक्स. सही है. आगे थोड़ा सा चलते हैं. फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का बताया हुआ है. फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज होती क्या हैं, वो कह रहा है कि आपने पूरे साल के अंदर ना, चाहे कुछ पीरियडिकली हो या लमसम हो, क्या रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजेरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल बट डज नॉट इंक्लूड, ये आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है. इसमें देखना है कौन कौन सी चीज आती है. मैनेजेरियल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोई बाहर का बंदा आके, कोई बंदा, तो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें ये वाली सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी. कौन कौन सी, दिस सर्विसेज रेंडर्ड कंसिडरेशन फॉर दिस सर्विसेज रेंडर्ड इन रिलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन असेंबली और लाइक प्रोजेक्ट्स, ये इसका ये अलग से आ रहा है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो ये इसके अंदर इसका पार्ट नहीं होगा. और कंसिडरेशन विच वुड बी द इनकम फॉर द रिसिपिएंट चार्जेबल टू टैक्स सैलरी, या फिर ऐसी कंसिडरेशन जो जो बंदा रिसीव कर रहा है उसकी सैलरी इनकम हो, वो आपके टैक्सेबल, वो आपका सॉरी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज में नहीं आएगा. सही हो गया. आगे चलते हैं. आगे इसमें यह बताया है कि पाकिस्तानी सोर्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन इज सब्जेक्ट टू 15% ऑन ग्रॉस अमाउंट. फाइनल टैक्स होगा इसका 15%, विदहेल्ड होगा इसका, और फॉरेन सोर्स इनकम ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होगा. सही है. अच्छा, इसको मैंने यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जी. फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इसमें अब बताते हैं, जो अगर फॉरेन रेजिडेंट है ना, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कह रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट है. सही है. नॉन रेजिडेंट को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आपने दो चीजें देखनी है, क्या उसकी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में. सही है. परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की टैक्सेशन जो है ना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि ये ना मैकडोनल्ड्स या अपना क्या से बोलते हैं, KFC है ना, ये बाहर से बाहर की ओन कंपनी है. ठीक है, यहाँ पे आती है, एक अपना सेटअप स्टार्ट कर लेती है. ठीक है, और जो अपना बिजनेस यहाँ पे कैरी करती हैं, एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे कर लेती है, इसको हम परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट बोल देते हैं. अच्छा, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, जो इसकी टैक्सेशन है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सही है. आपने ये चीज़ याद रखनी है कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट अगर तो पाकिस्तान में उसकी है, सही है, तो फिर तो होगी इसकी नॉर्मल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी. अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो 15% टैक्स कटेगा और वो टैक्स फाइनल टैक्स होगा. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे ये बात की है, एनी टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फॉर नॉन रेजिडेंट पर्सन टू व्हिच रिजर्वेशन डज नॉट अप्लाई शैल. अच्छा जी, इसके बाद ये हो गया. इसके बाद अब इस चैप्टर में क्या रह गया है, इस चैप्टर में रह गया है हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज और अपॉइंटमेंट और डिडक्शंस रूल, कॉमन रूल्स हैं, ये रह गया है. अब ये चैप्टर थोड़ा सा रह गया है, ये इंशाल्लाह अगले जो मेरा वीडियो होगी, अगला मेरा लेक्चर होगा, उसमें एंड हो जाएगा. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, हाँ सैलरी इनकम, सॉरी
हम सैलरी इनकम स्टार्ट कर देंगे, ये थोड़ा सा रहता है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कवर हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। नमाज पढ़ते रहिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफिज़।